पुणी उपर मुहा कोरोना ग्राफ पुणी भय देखाइलानी महामारी केरल डे हु हु होई बढ़ुची मामला बढ़ुची मृत्यु संख्या देशर भी बढ़ुची दैनिक पॉजिटिव संख्या 15टी राज्य रे एचआई नियंत्रण को आसिनी कोविड स्थिति केरल सरकार लागू करिसेंती संपूर्ण साप्ताहिक लॉकडाउन स्थिति अनुधान पई 6 जणिया विशेषज्ञ टीम पठाइबा को निष्पत्ति नेछेंती केंद्र सरकार एबे प्रश्न उठुची एहा कोविड तृतीय लहर प्रारंभिक संकेत नुहे त केरल रु ही चिन्हट होइथिला देशर प्रथम कोरोना मामला कोविडर द्वितीय लहर संपूर्ण नियंत्रण को आसी नथिबा बेले केरल रे पुणी थरे द्रुत गति रे बढ़िबारे लागिछि पॉजिटिव संख्या जाकु नै कोविड तृतीय लहरर भय सृष्टि करछि। सेप्टेम्बर अक्टोबर रे तृतीय लहर आसी पारे बोली विशेषज्ञ माने पूर्वानुमान करूथिबा बेले केरल रे वर्तमान रो कोविड स्थिति तृतीय लहरर आशंका को बढ़ाइ दिछि। पॉजिटिव मामला वृद्धि को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार पुणी थरे साप्ताहिक लॉकडाउन को कड़ाकड़ी भावे लागू करिसेंती। केरल चिंता केन्द्र को भी घारी राज्य में कोविड स्थितर जांच और मुकाबला नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रो 6 जन विशेषज्ञ को नहीं गठित टीम को केरल पठाइबा निष्पत्ति होई। एही टीम राज्य में कोविड स्थितर अनुध्यान करने सहित मामला वृद्धि कारण एवं प्रतिकार व्यवस्था संपर्क में केन्द्र को रिपोर्ट देव। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य केरल रे कोविड पॉजिटिव मामला वृद्धि को नहीं चिंता प्रकट कर केरल रे दैनिक पॉजिटिव मामला सांग को बढ़ी चली मृत्यु संख्या राज्य में शेष 24 घंटा 22,129 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होता बेले मोट केस लोड 33,27,301 पहुंची देशर दैनिक जी पॉजिटिव चिन्हट होती तार पखापाखि 50% होरल से भि केरल दिनक 131 जनों जीवन नहीं महामारी। केरल दैनिक हाराहारी मामला 17,443 रेकर्ड करे क्यूमुलेटिव पॉजिटिव हार 13% रही। राज्य में अधिक प्रभावित जिला मध्य अच्छा मालापुरम त्रिशूर कोझिकोड एर्नाकुलम पालाकर कोलाम आलापुझा कुनूर थिरुअनंतपुरम और कोटायम। स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार केरल रे 6टी जिल्ला रे पॉजिटिव हार 10% रु अधिक। राज्य में कोविड रिप्रोडक्शन रेट बा आर वैल्यू वृद्धि पाउथिबारु एहा तृतीय लहर प्रारंभिक संकेत बोली अनुमान करा जाउछि। गत जून 14 एवं जुलाई 6 मध्य आईसीएमआर पक्षरु करा जायथिबा सेरो सर्वेरु जणा पड़िछि जे राज्य में 44.4% लोकंक ठारे एंटीबॉडी सृष्टि होइछि जहा कि अन्य राज्य किंबा जातीय हार ठारु ढेर कम। कि जिन जिलों में हम कह रहे हैं कि कॉज फॉर कंसर्न है मैप पे वो सारे उस लोकेशन में है इन एडिशन टू ऑफ कोर्स केरल। सो ये वो एरियाज हैं जहां पे अभी भी वायरस का प्रकोप है और अगर हम रिप्रोडक्शन नंबर पे जाएं तो वो 1 से ज्यादा चला हुआ है केरल में 1.2 के आसपास चला हुआ है। देशरे द्वितीय लहर गत मे 7 तारीख में शीर्ष छुईवा बेले परवर्ती समय क्रमगत भाव में दैनिक पॉजिटिव मामला ह्रास पाइबारे लगता एपरिक गत सप्ताह दैनिक पॉजिटिव मामला 40,000 तौक खसी आसी मात्र केरल समेत किसी राज्य में दैनिक मामला बढ़िवर पुणी थे उपरमुहा जितिय कोरोना ग्राफ गत 24 घंटा मध्य देश में 43,654 नुआ मामला चिन्हट हो सहित 24 घंटे किलर भाइरस नहीं 640 जनों जीवन देशरे केस लोड 3,49,436 रही। एही परिसंख्यन कोरोनार तृतीय लहरर इशारा देउथिबारु स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष लोकंकु सतर्क रहिबा चेतावनी दिया जाइछि। फिर दर्शाता है कि वेव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है वायरस कम होता होता फिर सजग हो जाता है और जैसे कहा गया कि वी मे बी टायर्ड बट वायरस इस पर हैप्स नॉट टायर्ड तो ये एक अलर्ट है हमारे लिए इसकी तरफ देखना। सेपटे केरल रे कोरोना मामला वृद्धि को नहीं राजनीति जोर धरी राज्य सरकार को टार्गेट करी बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र कहते लोकों जीवन को प्राथमिकता दे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार कुंभ मेला और कावड़िया जलाभिषेक यात्रा को बातिल कले मात्र सुप्रीमकोर्ट को तागिद सत्वे केरल सरकार एक निर्दिष्ट संप्रदाय को उत्सव मनाइबा अनुमति दे। देखिए बहुत ही दायित्ववान बनते हुए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया।
मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी, मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है तुष्टिकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। केवल केरल नुहे बिहार बेगुसराय रो चित्र भी समस्त को आश्चर्य करिबा भली। नागपंचमी पर्व में नदी घाट रे एभली जनसमागम होइथिला जेभली लागुथिला सेठारे कोरोना भय आद्दो ना कहा मुहरे मास्क नथिला कि सामाजिक दूरता रक्षा करूनथि लोकंकु भिड़ न करिबा पई प्रशासन चेतावनी देइथिबा बेले एही चित्र स्पष्ट भावरे दर्शाउछि जे लोके नियमकु जेमिति पूरा फू करि देइछन्ति। देश में केरल के अलावा महाराष्ट्र और ओडिशा में ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलाकर तकरीबन 15 राज्यों में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोगों की लापरवाही और उनकी भीड़ तीसरी लहर को भी न्योता दे रही है। इसमें नेता और जनप्रतिनिधि भी किसी से पीछे नहीं है। आओ चित्र देखो, राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री निजे किभली कोरोना नियमों का उल्लंघन कर मंत्री महाशय निज जन्मदिन को बेस आनंद उल्लास मनाऊता बेले कोविड नियम मानवा तो दूर कथा निजे मास्क पिंधिना। केरल समेत 15 राज्य में ऊपर मुहा कोरोना ग्राफ। केरल रे स्थिति संगीन होता बेले एवं जाग्रत न हेले द्वितीय लहर ठू तृतीय लहर अधिक भयंकर रूप नेबार आशंका रही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।